नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिनभर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले इस वक्त बड़ी खबर की बात। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अस्पताल में बम की खबर से हड़कंप मच गया। एमएमआई अस्पताल में बम की अफवाह फैली और ओपीडी इंचार्ज के कॉल पर इसको ये सूचना दी गई। बम दस्ते की को जो है किसी तरह का कोई बम नहीं मिला। पुलिस हिरासत में फोन करने वाला है अब। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर बम की अफवाह फैलाई गई। एक फोन कॉल आया, उसके बाद जो है टीम सक्रिय हुई। हालांकि कोई बम बरामद नहीं हुआ, जिसने फोन कॉल किया था वो अब हिरासत में बताया जा रहा है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, डर का माहौल बनाने के लिए बम की अफवाह फैलाई गई, कौन है ये शख्स जिसका कॉल आया और हिरासत में लिया गया है, पूछताछ में क्या कुछ सामने आया, बताइए विस्तार से। चार थे, उसके फोन नंबर पर एक अज्ञात कॉल गया और उसमें सूचना दी गई कि एमएमआई अस्पताल में चार अलग से बम रखे हैं अलग अलग स्थानों पे। उसके बाद हड़कंप मच गया, पुलिस को इसकी सूचना दी गई, क्योंकि अभी वीआईपी मूवमेंट भी अस्पताल में होने वाला था। कुछ पेशेंट को देखने जाने वाले थे वीआईपी जो हैं, तो इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया था। और चूंकि काफी संगीन जो जानकारी है वो दी गई थी, अफरा तफरी का माहौल था। उसके बाद स्थानीय स्तर पर जांच की गई और बम निरोधक दस्ता है उसे सूचना दी गई, लेकिन आसपास पूरी तरह से खंगाला गया। अस्पताल को किसी तरह की कोई बम है वो बरामद नहीं हुआ है। और जिस फोन से जो सूचना आई थी उसे तत्काल पुलिस ने ट्रेस किया और उसे हिरासत में लिया गया। तो जिस लड़के को अभी फिलहाल हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, उसने बताया है कि राह चलते एक व्यक्ति ने फोन नंबर मांग करके फोन की है और बम होने की सूचना दी है। फिर वो शख्स कौन था, क्या है, इसकी पड़ताल अभी पुलिस कर रही है। और अभी किसी तरह का बम है वो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच अस्पताल है, सैकड़ों मरीज वहां पर हैं और लोग आते जाते हैं, और वीवीआईपी मूवमेंट की भी सूचना थी, तो ऐसे में अफरा तफरी का माहौल था। और फिलहाल पुलिस, इस टिकरापारा पुलिस है, इस पूरे मसले की जांच है वो कर रही है। जी ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। आगे बढ़ते हैं, बात छतरपुर के करेंगे, जहां पर बाइक में आग लगी है। बाइक में आग लगना बताई जा रही है। दरअसल स्टार्ट करते समय अचानक से बाइक में आग लग गई। फिलहाल बाल बाल बच्चे हैं बाइक सवार, सड़क किनारे धू धू कर बाइक जलने लगी। छत्रसाल चौक के पास की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्टार्ट जब बाइक कर रहा था युवक, तब स्टार्ट करते समय बाइक में आग लग गई। बाइक पर जो युवक सवार थे वो बाल बाल बच्चे हैं, धू कर पूरी तरह से बाइक जलने लग गई। ये तस्वीरें आपके सामने, छतरपुर की तस्वीरें, जहां पर बाइक में आग लग गई। दरअसल बाइक स्टार्ट युवक के द्वारा की जा रही थी, स्टार्ट करने के दौरान अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ही आग फैलना शुरू हो गई और पूरी तरह से बाइक जलकर खाक हो गई। और अब बात 2023 के महासंग्राम की। सबसे पहले बात करते हैं एमपी की, जहां पर वोट प्रतिशत का आंकड़ा बढ़ा है। बता दें आपको 77.15% से ज्यादा मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। निर्वाचन आयोग ने जारी किया ये आंकड़ा। बता दें 78.21% पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की है, तो वहीं 76.03% महिलाओं ने मतदान किया है। अभी और मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है, तो एमपी में वोट प्रतिशत का आंकड़ा बढ़ा है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 77.15% से ज्यादा मतदान होना बताया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने यह आंकड़ा जारी किया है और ऐसा भी कहा है कि आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के आंकड़े सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कुल 76.31% मतदान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा मतदान कुरूद के लोगों ने किया। इस विधानसभा क्षेत्र में 90.17% मतदान हुआ। तो वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इस मामले में फिसड्डी रहे। यहां सिर्फ 48.1
0.37% लोगों ने मतदान किया। कुरूद विधानसभा सीट पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं से ज्यादा मतदान किया। तो वहीं जिलावार मतदान प्रतिशत की बात करें तो धमतरी जिले में सबसे ज्यादा 84.23% मतदान हुआ, जबकि रायपुर जिले में सबसे कम 65.45% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दे दिया। सिंहदेव ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री न बनने की स्थिति में आगे से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मतदाता जो जिम्मेदारी देंगे उसे निभाऊंगा। सिंहदेव ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री बनने का आखिरी मौका है, मुख्यमंत्री नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। मौका तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। मन की भावनाएं हैं, मन में रखा है तो उससे बड़ी चीज़ क्या है, वो तो मिल ही गया। बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है, मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं भी चाहूँगा कि जिस स्थान पे काम करने का मौका मिले करके देखूं। विधायक था तो विधायक के रूप में काम किया जितना कर सकता था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो वहाँ जो मैं कर सकता था मैंने अपना योगदान दिया, मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो मंत्री के रूप में विभागों में जो भी कर सकता। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जैसे ही बयान दिया बीजेपी ने इसे हाथों हाथ ले लिया। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चमनारी ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने सिंहदेव के साथ बड़ा धोखा किया, ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा लेकिन पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया है, जबकि इस बार सिंहदेव के मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इस बाबा को मुख्यमंत्री पिछली सरकार में ही बना दिया जाना था लेकिन उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ, इसकी सहानुभूति सभी को है। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी संभावना ना के बराबर इसीलिए है क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। जब ढाई साल का कमिटमेंट था और सरकार भी थी तब उन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ ही इतने बड़े धोखे करती है वो जनता से कैसे दगाबाजी करने से बाज आएगी, ये जनता जान चुकी थी। इसलिए अब कांग्रेस को विदा करके छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने जा रही है। प्रत्याशियों के 1-to-1 बैठक के बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सभी प्रत्याशियों से अच्छा फीडबैक मिला, चुनाव के समय जिन लोगों की शिकायत मिली उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दीपक बैज ने कहा कि भूपेश बघेल हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे, वहीं सिंहदेव पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार दिन भर से मंथन हुआ, करीबन 11 बजे से आप लोग बैठे थे लगातार और अभी 8 बज रहे हैं, किस तरह का मंथन और क्या फीडबैक है? अब हमारे प्रभारी में हम चर्चा कर रहे हैं 1-to-1 सभी प्रत्याशियों से और चुनाव संबंधित चर्चा है, कैसे चुनाव लड़े, क्या चुनाव में रहा जी, सब क्या फीडबैक मिला? बहुत अच्छा फीडबैक है, सभी प्रत्याशियों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं, लेकिन सर कहीं तो अच्छा चुनाव लड़े हैं, बहुत अच्छा रिपोर्ट है। कहीं पे तो चुनौती होगी सर, कुछ जगहों पे तो चुनौती होगी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि सरकार में होते हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा चुनौतियाँ, देखिए सरकार में रहने से ठीक है बहुत सारी चुनौतियाँ होती है, अपनों से भी होती है और बहुत सारी चीज चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का सामना किए हैं हमारे कैंडिडेट अच्छे से, उसी का नतीजा है सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए लीड आती है तो सीएम चेहरा कौन है? अब इसको आप देखते जाइए आगे, अच्छा रहेगा, सरकार बनेगी और आला कमान तय करेगी। लेकिन पहले तो यही था कि भूपेश बघेल के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पे एक मैसेज, अभी भी चेहरा है, अभी भी चेहरा है भूपेश बघेल जी, वही हमारे या फिर अभी भी हमारे चेहरा है, सीएम चेहरा है आपका चेहरा, हमारे चेहरा मतलब संगठन का? हाँ बिल्कुल, हमारे सीएम चेहरा क्यों नहीं, अभी भी सीएम है वो, हमारे सीएम चेहरा है वही बनेंगे, अब वो तो आला कमान तय करेगा। सर अभी कई लोगों को नोटिस जारी हुआ है, एक को निष्कासित किया गया है, तो ये मान के चले अमीन मेमन को लेकर भी लोग यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे थे, काफी हंगामा भी हुआ, तो ये मान के चले कि ये नोटिस का दौर जारी रहेगा, सख्ती का दौर जारी रहेगा? देखिए कुछ जगहों पे अगर पार्टी के खिलाफ कोई कार्यकर्ता या कोई नेता काम किया है तो पार्टी उस पर सख्ती बरत रही है,
अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, उस पर कार्रवाई कर रही है, आगे भी कार्रवाई करेगी, आगे भी जारी रहेगी। तो ये है दीपक बैज और उनका कहना है कि चुनाव को लेकर जो प्रत्याशियों से बात की गई, फीडबैक जो है ये बताता है, उनका दावा है कि कांग्रेस बहुमत से आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीएम चेहरे को लेकर उनका कहना है कि भूपेश बघेल अभी भी हमारे नेता है लेकिन आला कमान तय करेगा, और टीएस सिंहदेव के बयान पर उनका कहना है कि उनका अपना मन है और उन्होंने अपनी बात कही है, उस पर वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजिया, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, वोटों की गिनती और नतीजे आना भी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह की बेटी मोनिका सिंह ने कहा कि वो अपनी मां को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं, जिस पर रेणुका सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक बेटी के रूप में उन्होंने अपनी मां के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई, बाकी पार्टी फैसला करेगी कि कौन सीएम होगा। वहीं रेणुका सिंह ने सीएम बघेल पर भी निशाना साधा, टीएस सिंहदेव के बयान पर भी कसा। जी मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, तो सदस्य होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी चाहती हूँ, और माता जी तो है ही मेरी, तो मैं तो हमेशा चाहूंगी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल देखना चाहूंगी, बिल्कुल देखना चाहूंगी। भाई अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधायक का चुनाव लड़ी, और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो नॉन पॉलिटिशियन है, एक यानी सांसद और मंत्री की बेटी जरूर है लेकिन राजनीति की उसी जानकारी नहीं है, लेकिन उसने एक बेटी के रूप में अपनी माँ के लिए इच्छा जताई है। और जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए उम्मीद रखती है कि हमारा बच्चा खूब आगे बढ़े, तो इसी तरीके से उसने एक बेटी के रूप में कहा है, जो भी करेगी भारतीय जनता। तो वहीं अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान कराने के बाद अब ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। अंबिकापुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया गया है, जहां 786 मतदान केंद्रों से लाई गई ईवीएम को रखा गया। स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूं, और ये वही जगह है जहां पे 786 मतदान केंद्र में हुए वोटिंग के जो ईवीएम मशीन को यहां पर रखा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के तमाम व्यवस्था किए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, और ये बताया जा रहा है कि आज सुबह 5 बजे भोर को स्ट्रांग रूम में उस तमाम जो ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रख दिया गया है, और जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे उस समय, लगातार जो है यहाँ पर अधिकारी जो है सुरक्षा व्यवस्था को जांच करके पूरी तरह से टीम जो ईवीएम मशीन है उसको रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो जवान हैं वो तैनात हैं। और मैं बता दूं, अंबिकापुर अगर सरगुजा जिले की बात की जाए तो 41 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला इस ईवीएम मशीन में कैद है, और जो जिस तरह से वोटों की प्रतिशत है 80% जो है सरगुजा जिले में वोटिंग का प्रतिशत हुई है, एक अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत हुई है, और जो मतदाता हैं वो अपने अपने जो चहेते प्रत्याशियों को मत का प्रयोग करके ईवीएम मशीन में कैद है, और 3 दिसंबर को ये जो है मत का पेटी खुलेगा और जो 41 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला होगा। स्वर्ण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। जांजगीर चांपा में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहां 811 मतदान केंद्रों से लाई गई ईवीएम को रखा गया। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। निर्वाचन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और स्ट्रांग रूम में सभी मतदान दल अपने ईवीएम मशीन को पहुंचाकर सीलिंग भी हो गई है। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करते हैं कि किस तरह के यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं और किस तरह की किसकी उपस्थिति में सीलिंग कार्य की गई है। मैडम, देखा जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ दिख रहा है और सभी ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में पहुंच गए हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? हमारे जो मतदान दल हैं वो रात को लेट तक पहुंचे हैं, मशीनों का और उनके रिकॉर्ड्स का और डॉक्यूमेंट्स का पूरा परीक्षण करके मशीनों को जमा कर दिया गया है। सुबह 6 बजे के करीब में तीनों के तीनों विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम की सीलिंग कर दी गई है। सीलिंग के समय जो हमारे सामान्य प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो उपस्थित रहे हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट खुद और उनके जो एजेंट्स हैं वो उपस्थित रहे हैं। 3 तारीख तक ये SSB जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी सुरक्षा में हमारा स्ट्रांग रूम रहेगा। 2 कॉर्डोन्स में सिक्योरिटी लेयर में इसकी सुरक्षा रखी जा रही है।
है, जो स्ट्रॉन्ग रूम है उनके सामने भी एक एक मोर्चा है, इसके साथ ही जो आउटर एंट्री है उसके सामने भी एंट्री बिल्कुल रेगुलेटेड है, बिना वीडियोग्राफी के कोई किसी की भी एंट्री उसमें नहीं होगी। अभी स्क्रूटनी के साथ ही मतदान का एक चरण का ये भाग हमारा खत्म हो जाएगा। 3 तारीख तक में SSB की टीम लगातार यहाँ पे रहेगी। इसके साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी स्ट्रॉन्ग रूम के सामने CCTV लगाए गए हैं, उनके मॉनिटरिंग के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, तो वो लोग भी अपनी यहाँ पे निगरानी करते हैं। जिले में कितने परसेंट मतदान हुई है? जिले में तीनों विधानसभाओं में कुल मिलाकर के हमारा 72.94% मतदान हुआ है, जिसमें जांजगीर विधानसभा जो है उसमें सबसे ज़्यादा 74 point something हुआ है, अकलतरा भी लगभग उसी स्थिति में है, पामगढ़ में 67.5% के करीब। जिले में 72% के मतदान हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ प्रत्याशियों की भाग्य जो है EVM मशीन में कैद हो चुकी है और 3 तारीख को भाग्य के फैसला होगा कि कौन जीते हैं और कौन, ये तो समय ही बताएगा। कैलाश कश्यप, न्यूज 18, जंगल चांपा। कल होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होने वाला है, जिसमें टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। दुर्ग जिले में टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन और प्रार्थना का दौर जारी है। दुर्ग में क्रिकेट फैंस ने हनुमान मंदिर में हवन पूजन का आयोजन किया। फैंस ने पूरे विधि विधान के साथ हनुमान मंदिर में पहुंचकर उनकी प्रार्थना की और उसके बाद हवन पूजन किया। पूजा में शामिल होने वाले युवाओं ने पूर्ण श्रद्धा भाव से ईश्वर से ये कामना करी कि भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप को अपने नाम करे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मैच होने जा रहा है और उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा भिलाई के खिलाड़ियों को कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर चेयरअप कर रहे हैं, किस तरह से उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि हम भारतीय टीम जो है वर्ल्ड कप को जीते और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और वो ये भारतीय टीम का अभी से हौसला बढ़ा रहे हैं, काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैच होगा, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए अब मैच होने वाला है, कितना एक्साइटमेंट आप सर? एक्साइटमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी टीम इंडिया जो फाइनल पहुंच चुकी है और यहां से हम सभी चीयर कर रहे हैं उनको और चाहेंगे कि फाइनल जीते और काफ़ी अच्छी तरीके से खेले। हमारे जो बैट्समैन है काफ़ी अच्छी लाइन में है और जो बॉलिंग का तो बात ही अलग है, जिसे मोहम्मद समी ने पिछले मैच में 7 विकेट लिया था, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और हम लोग भी कुछ तेज गेंदबाज हैं तो उनको देखकर एक हमें भी होता है कि हम कैसा एक्साइटमेंट आप लोगों हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत टाइम के पश्चात पिछले साल अपन लोग सेमीफाइनल में हार गए थे, इस बार हम लोग फाइनल पहुंचे हैं और न्यूजीलैंड को हरा के पहुंचे। इस बार इंडिया बिल्कुल वर्ल्ड कप जीतेगा और हम लोग और उत्साहित होंगे। इंडिया इंडिया देखिए काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं, कुछ लोग और हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि देखिए आप लोग किस तरह से स्ट्रेटजी होना चाहिए देखा जाए तो अभी तक। मेरे को लगता है सर वो सूर्य कुमार यादव के बल मेरे को लगता है वो अश्विन को खिलाना चाहिए, जहाँ तक देखा जाए 5 ही बॉलर में उनको 6ठा बॉलर का जो महत्व है वो थोड़ा लग रहा है उपयोगी है, मतलब अश्विन जी, का बॉल जी। कल की कैसी तैयारी है आप लोग की? कल की बहुत अच्छी तैयारी है, कल हम फुल इंजॉय करेंगे, साथ में टीम इंडिया को चेयर भी करेंगे जी। कुछ लोग और हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है आप लोग को कल के लिए? कल के लिए हम बहुत एक्साइटमेंट है कि और इंडिया बहुत अच्छी करेगी और वर्ल्ड कप हमारा होगा जी। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छा सर, विराट कोहली जिस तरह से फॉर्म में है बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो, और शुभमन गिल का भी फॉर्म में आना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए तैयारियां पूर्ण है और बस इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का जब ये मैच आरंभ होगा। तो यहाँ के खिलाड़ी, भिलाई के खिलाड़ी जो है काफी उत्साहित है और यहीं से वे रहकर टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाएंगे। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के लिए भारत तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर और आवेश खान भी फाइनल मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने। वर्ल्ड कप के महामुकाबले के लिए हिंदुस्तान तैयार है और इस वक्त मेरे साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले आवेश से बात करेंगे। आवेश, क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया भारत मैच में कल सबसे बड़ा टफ क्या होने वाला रहेगा? इंडिया के लिए टफ यही होगा कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी डीप है
और अपने बॉलर्स भी टच में, तो काफ़ी अच्छा मैच होने की संभावना है और काफ़ी मज़ा आएगा। वो चाहता हूँ कि इंडिया जीते वर्ल्ड कप। जिस तरीके से मैक्सवेल की वो पारी सबने देखी है, क्या लगता है कि कल मैक्सवेल भारत के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं? हाँ, चुनौती तो सभी होंगे, जैसे वार्नर भी अच्छे फॉर्म में, ट्रेविस हेड भी, और अपने अभी 10 के 10, 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है कल मैच देखने में। आवेश, आप तेज गेंदबाज है, क्या लगता है कि कल बुमराह, सिराज, समी कौन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला है? मेरे हिसाब से कल सिराज सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला है, क्योंकि वो एक बड़ा मैच का बॉलर है और वो उसका रिदम विदम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये लगता है कि सिराज लेगा कल सबसे ज़्यादा विकेट। वेंकटेश, आप तो ऑलराउंडर हैं, क्या लग रहा है कि कल किसका बल्ला चलने वाला है? सबसे अच्छी चीज़ है कि सभी फॉर्म में हैं और जिस हिसाब से सब अपने रोल में खेल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कंप्लीट परफॉर्मेंस रहेगा, बट मैं श्रेयस को बैक करूंगा एक और 100 बनाने के लिए। वर्ल्ड कप का फाइनल, इसके पहले कितना प्रेशर रहता है, क्योंकि आप लोग इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ बातें होती है, या एक दिन मैच के पहले क्या कुछ बातें होती, कितना टेंशन रहता है, क्या प्रेशर रहता है? प्रेशर तो हर मैच में रहता है, वर्ल्ड कप ही नहीं, आप कंट्री नहीं किसी भी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रेशर तो रहेगा, बट आई थिंक इतने प्रोफेशनल हैं हमारी टीम में, इतने मैचेस खेल चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस है, तो वो प्रेशर को कैसे कट करना है जानते होंगे। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि सभी फॉर्म में अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आई थिंक वो प्रेशर उनको लगना नहीं चाहिए, और जैसा खेलते आ रहे हैं वैसे ही खेलेंगे तो ज़रूर हम जीतेंगे। कल के लिए क्या लगता है कि भारत का स्कोर क्या होगा अगर भारत पहली बैटिंग करता है? मुझे तो लगता है कि हमारा जो टीम है अभी बैटिंग बहुत अच्छा कर रहा है, तो 350 बहुत इजी होगा उनके लिए। ऑस्ट्रेलिया अगर बात करते हैं तो क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कल कौन बड़ा चैलेंज हो सकता है भारत के लिए? ऑस्ट्रेलिया के मतलब बैटिंग में देखा जाए तो मुझे लगता है कि वार्नर उनका एक मेन बैट्समैन रहेगा कल, क्योंकि वो इंडियन विकेट्स पे बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं, तो एक वो रहेंगे, और बॉलिंग में मिशेल स्टार्क एक बड़े वो रहेंगे हमारे लिए, डिफिकल्ट मतलब क्रिएट कर सकते हैं। सुमन गिल को लेकर क्या कहेंगे आप? सुमन गिल काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और मैं चाहता हूँ वही कंटिन्यू करे आगे, और बड़ा मैच है तो बड़े मैच का ही प्लेयर है वो, और ज़रूर करेगा अच्छा वो। हिमांशु, कल का मैच कैसा रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया भारत का? जैसा वर्ल्ड कप का फाइनल हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एकदम वैसे ही फुल थ्रिलर रहेगा, और दोनों ही ऐसी टीम है जो आखिरी तक मैच छोड़ती नहीं है चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, सो हाँ, एक फुल पैक फाइनल देखने मिलेगा कल हमको। और अहमदाबाद में कल ये मुकाबला होना है और हिंदुस्तान की इस मैच में निगाहें, बहुत बड़ा मैच है और बड़ी तैयारी भी इस वक्त देश में चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। कवर्धा में क्रिकेट फैंस में रविवार को होने वाले सुपर महा मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भारत का पलड़ा मौजूदा विश्व कप में भारी रहा, लीग मैच से लेकर सेमीफाइनल तक भारत एक भी मैच नहीं हारी, ऐसे में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि विश्व कप भारत का ही होगा, भारत में हो रहा है, विश्व कप भारत में ही रहेगा। जीत को लेकर प्रशंसक पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। क्रिकेट का फाइनल मुकाबला देखने के लिए नगर के प्रमुख चौक चौराहों में प्रोजेक्टर सहित बड़े स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। बीच फाइनल मुकाबला कल होना है, जिसे लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। 20 साल बाद जो भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं वो आमने सामने होंगे, क्रिकेट फैंस जो हैं वो उम्मीद जता रहे हैं कि भारत जो है इस मैच में जीतेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ एकेडमी भी है, वहाँ पे बच्चे जो है खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें खासकर जो है भारत की जीत को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, वो उन पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि जो मैच है वो भारत ही जीतेगा। भारत का पलड़ा भारी है, पूरे 10 मैच जो है भारत जीत के फाइनल में पहुँची है और 11वां मैच भी उम्मीद जता रहे हैं कि भारत ही जीतेगी, और इसके लिए जो है मंदिर में भी जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और हर प्रकार से ये उम्मीद जता रहे हैं क्रिकेट प्रशंसक कि भारत इस मैच में भी जीतेगा और वर्ल्ड कप जो है इस बार भारत के नाम ही होगा। मनीष मिश्रा, न्यूज 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।